या माशरल मोमिनीन व जमल गफीर असहाबुल फसीला अना मसरून की ताह नफ्स ही मन तरफ साथी अल्लाह वल्लाहु रहीम। قال الله تعالى في كتاب الحبيب كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। معزز صدر علی وقار علماء ملت اسلامیہ سامعین حضرات مکی کے میری ماں بہن تتھا اس مہان آدھیاتمک یگ منڈپ میں मंडित सुधीर श्रोता वृंद और मंचस्थ हमारे मर्मज्ञ मूर्धन उद्भव विद्वानों की विधवत मंडली, काफी देर से आपने कसरत फैज किया है, अब थोड़ी देर के लिए फकीर आया है, तवज्जो चाहूंगा। खालिके कायनात ने इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत को मदऊ करके इस जुमले पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ए इंसानों, अल्लाह की अनायत करदम नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। बंधुवत, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय परणव प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान व सार्वभौम शाश्वत सत्ता विश्व के इस मानचित्र पर प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, समानता हो, समता हो, संवेदनशीलता हो और मानवता की रीत नीति जागृत हो। इसके लिए उद्घोषिया कुलू वैश्व मिर्जिकल्ला बलता सुखी अज्ञान मानाओ अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, संप्रदायता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मद मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत। अरे यार तुझको कहिए, देखिए मैं कुफर के नया खाने में ईमान की किरण को क्या कहूं, तो कम से कम आप पढ़े लिखे लोग तो सुभान अल्लाह नहीं की आवाम को महसूस हो रही है, आप लोग भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई सच्ची बात कहता हूँ, मैं आया और जाने लगा, यहाँ के बच्चों का सलीका देखा, इतना ही लड़का सब है, आगे आगे दौड़ के ले गया, नहाय इज्जत तो एहतराम से ले गया और वो लड़का सब आकर सुन भी रहा है, ये बड़ी बात। तो मैं कुछ कुछ काम की चीज आपके हवाले करने जा रहा हूँ, तो कुछ देर कुछ काम के बाद आप समाप्त कीजिए। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अल्लाह की अनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइम, वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंड अनदर इज कॉल्ड इंटरनल क्राइम। नाउ आई वांट टू टीच यू अबाउट द रियल एसेंस एंड नेचर ऑफ क्राइम and also the message of love or prophet who is it coming as a message of love for the whole creation is all at work in the Ali and the Ali book। मैं बतलाना चाहता हूँ, दुनिया को बतला दो, इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम टूटे दिनों को तो क्यों रसा आज गली सुनी है, उठ मेरे भाई। मिल्लत इस्लामिया का एक नूरानी काफिला मौजूद है, मैं बताना चाहता हूँ, ये जलसा कराने का मकसद
सलीमुल खत्म कमरुल हसन साहब और सदर साहब कहा गया समावला को पीछे रह गया सदर को सदर सब जाकर कुछ कुछ का बैठता है ये पीछे बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी जमात के मुमताज और मुफ्तखर उलमा में हैदर साहब का नाम आता है। अल्लाह करे उम्र दराजी इनायत करे। मैं याद कर रहा हूँ, सुनिएगा, जलसा कराने का मकसद क्या है? जलसा कराने का मकसद ये है कि सूरत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, नक्शे मुस्तफ़ा, जलवा मुस्तफ़ा से लोग वाकिफ हों एंड व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ इस्लाम इन द रियल सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी प्योरिटी ऑफ सोल एंड लव फॉर ईच अदर एंड एवरी वन। इस्लाम का पैगाम क्या है दुनिया ये जाने, और दुनिया वालों एक जिम्मेदार स्कॉलर बोल रहा है जिसने दुनिया में सबसे पहले आला हजरत की नादिया शायरी पत्र नसीब की। और लोग अब तक कुत्ते पीते तुझसे कितने हजारों कुत्ते हैं, और मैंने रिसर्च में पेश किया वो कुत्ते में ही कितने को उस जमाने में कितने कहा जाता था। वो कुत्ते नहीं है, वो कितने है, कितने उस जमाने में कितने बोला जाता था, कितनों के लिए सऊदी और लेसानियाती अल्फाज जो बनते हैं वो रास्ता रास्ता बनते बिगड़ते रहते हैं। उस जमाने में कितने बोलते थे कितने, और आज के जमाने में कितने बोलते हैं, उस जमाने में कितने बोलते हैं। आज कितने बोलते हैं इस पर बहुत हमने 14 सफा का बदलता हफ्ती में अनुमान भाई भाई अब हिंदी के दो अलग कलर हो तो मैंने दिया कि ये कितने लफ्ज है जिसने एतराज किया उसकी खोपड़ी कहीं ढीली हुई। और यकीन जानो मैंने आला हजरत को पढ़ा तो बहुत ईमानदारी से अब्दुल सिद्ध होकर पढ़ा। मैंने तरफदारी नहीं अकीदत दरमियान अकीदत नहीं दुश्मन मान के पढ़ा, और दुश्मन मान के पढ़ा तो पता चला कि आला हजरत पर ईमान रखने वाला ही गौसो खाजा और मुस्तफा का दीवाना होगा। प्यारे तवज्जो चाहो दो चार शेर सुन लीजिए दिलवर साहिब की कहां को सुनो कि बयाचे कुनमन कमाले मोहम्मद, बयाचे कुनमन कमाले मोहम्मद और खुदा नद खाने जमाले मोहम्मद और जमाले इलाही बबी दर्द वाले और जलाले इलाही जलाले और निगाह मलक हम पूजा ताबदार निगाह मलक हम पूजा ताबदार अरे जमाल है रुखे में भी साल और खुशाई सादत के जौहर गर्दत गुलाम है गुलाम है आले। प्यारे कुछ लेके जाओ, मैं अपने जवानों को भी दे रहा हूँ, मैं अपने माँ बहनों को भी कुछ देने जा रहा हूँ। दो जुमले ज्यादा वक्त ले लूंगा मुझसे, मेरे बाप भी खतीब है इतने अच्छे अच्छे शायर है, और ना खाली जितनी हो मैं बहुत महसूस होता था। अब क्यों होता हूँ इसकी बात छोड़िए, जो बात कह रहा हूँ उसको सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की अकवाम आलम की तारीख में कोई मजहबी गैर मजहबी तारीखी गैर तारीखी कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने उग्रवाद आतंकवाद का इतना दंगे के चोट पर विरोध किया हो। अगर कोई किताब है तो उम्मुल किताब कुरान मुकद्दस है। कुलू वैश्वो बिस्मिल्लाह वलदान रफिल। अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो, और जमीन पर तो फसाद न करो, तो फसाद में नफरत है, बगावत है, बुग्ज है, घिना है, हसद है, रिया है, ईर्ष्या है,
रहे भी नहीं हूँ वहाँ, बोलिए ना। देखिए मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो इनमें के लड़के पढ़ते हैं, हूँ वहाँ नहीं करता तो मरते हैं डरते हैं कि आप लोग तो लड़का के बाप बैठे तो कम से कम हुआ को याद तो कौन बोलेगा। आप लोग को हुआ बोलिए, कौन को कुछ दिया जाने वाला है तो उसके लिए आपको साथ दे रहा हूँ। मैं बतला रहा हूँ कि दुनिया की किसी किताब ने डंक की चोट पर उग्रवाद आतंकवाद का विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध किया तो कुरान मुकद्दस ने किया। और सारी मुसी कुरान को कहते हैं कि उग्रवाद आतंकवाद पैदा करता है, यह उनकी भूल है। ये मैं सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान कहता है अज्ञानी मानव अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता सांप्रदायिकता पुष्टता दानवता काम क्रोध मद मोह अहंकार मत करो। तो अकले सलीम ने कहा या अल्लाह जब कुछ मत करो तो क्या करो, तो कुरान ने कहा करना ही है तो कर लो। मैं यही रसूल फकत अता अल्लाह, कुछ नहीं करना है तो मुस्तफा की इत्तबा, मुस्तफा की इत्तबा कर लो। और जिसकी इत्तबा करने के लिए कुरान कह रहा है वो कैसा है, तो खालिक कायनात कहता है कत जाकुम मिन अल्लाह नूर, वो नूर है कहिए सुभान अल्लाह, और उसके साथ एक नूरी किताब आई है कहिए सुभान अल्लाह। फिर कुरान कहता है वो मार सल्लल्लाह कैला वो माय फ्रेंड नहीं मत होइन, as a message of not for the whole